हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर FIR दर्ज कराने का आदेश जारी किया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि BJP सरकार का नया आदेश हरियाणा के किसानों पर एक और हमला है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया है। यमुना के पानी में जहरीले झाग चारों तरफ दिखाई देते हैं। इसे लेकर BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजादी पूनावाला ने आप सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया है। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे 2025 तक यमुना नदी को साफ कर देंगे। जब लोग यमुना नदी में छठ पूजा का त्योहार मनाएंगे तो अब कल्पना कर सकते हैं कि वे किन बीमारियों से पीड़ित होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद तीसरे दिन भी एक्स पर अपनी बात खुलकर रखी। उन्होंने अब तक 2 पोस्ट के माध्यम से पार्टी की वर्तमान स्थिति और नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। अजय यादव ने अपनी पोस्ट में राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा कि मैं आत्मसम्मान में विश्वास करता हूं, क्योंकि किसी पद पर बने रहना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप बिना किसी बाधा के पार्टी के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। आप नेता सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमारी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। रावजी वेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार दोपहर जैन को जमानत दे दी थी। वो आपके शीर्ष नेताओं में से एक हैं और तत्कालीन केजरीवाल सरकार में विभिन्न विभागों का कार्यभार संभाला था। उन्हें मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हरियाणा सचिवालय में कार्यभार ग्रहण कर रहे थे और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के करीब 24,000 युवा विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां ज्वाइन करने की प्रक्रिया पूरी करने में जुटे थे। नायब मंत्रिमंडल और इन हजारों युवाओं ने एक साथ कार्यभार ग्रहण किया। हरियाणा कर्मचारी आयोग की ओर से ग्रुप सी के कुल 25,500 पद और ग्रुप डी के 26,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला पहली बार जम्मू जाएंगे। उनके स्वागत के लिए पार्टी कार्यकर्ता दिन भर तैयारियों में जुटे रहे। शेर कश्मीर भवन को सजाया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। उमर अब्दुल्ला पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। CM के आगमन को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश है। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि वे राज्य का दर्जा बहाल करेंगे, तो बार बार राज्य का दर्जा मांगने का क्या मतलब है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर विपक्ष के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जिनको मेरी बात से एतराज है मैं उनसे निवेदन करता हूं कि 10 दिन के लिए कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में आकर रहें, तब पता चलेगा कि लव जिहाद किसको कहते हैं। पहले केवल लड़कियों का होता था, अब लड़कों का भी हो रहा है। किसको लैंड जिहाद कहते हैं, अगर देखना हो थूक जिहाद तो सुन ही लिया है, शिक्षा जिहाद भी बेगूसराय में है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि iHub राज्य के युवाओं के इनोवेशन को प्रोत्साहन देने का एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा। उन्होंने इस पहल को राज्य के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर बताया, जहां वे अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। iHub युवाओं को तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अपने इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप्स और इनोवेशन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करना है। बिहार के सारण और सिवान में जहरीली शराब कांड के बाद सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से CM नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि शराबबंदी नीतीश कुमार के संस्थागत भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना है। अगर शराबबंदी हुई तो इसे पूर्ण रूप से लागू करना सरकार का दायित्व है, लेकिन मुख्यमंत्री की वैचारिक और नीतिगत अस्पष्टता, कमजोर इच्छा शक्ति तथा जनप्रतिनिधियों की बजाय चुनिंदा अधिकारियों पर निर्भरता के कारण आज बिहार में शराबबंदी सुपर फ्लॉप है।